हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल जीरो ज्ञान। यार दोस्तों देखो, इस महीने जो मई का महीना चल रहा है, इसमें 15 के आसपास में जो है कि आपका बजट प्रस्तुत होने वाला दोस्तों। ऐसे में बजट में जो है दोस्तों कि जो जो भी आप पेंशन का लाभ उठा रहे हैं, चाहे आप वृद्धा पेंशन का लाभ उठा रहे हैं, चाहे आप निराश्रित महिला पेंशन का लाभ उठा रहे हैं, या फिर आप दिव्यांग या कुष्ठावस्था पेंशन का लाभ उठा रहे हैं दोस्तों, आपका जो अमाउंट था पर मंथ जो 500 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये इस बजट में होने वाला है। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अच्छी न्यूज़ है कि अगर आप अभी तक 500 रुपये महीने का उठा रहे थे, तो अब आपको 1500 रुपये महीने का मिलने वाला है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि जब यूपी में बीजेपी की सरकार बनने वाली थी, जब उनका इलेक्शन था, तो उन्होंने अपना एक मैनिफेस्टो या फिर एक अपना एक घोषणा पत्र प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा था कि जैसे उनकी गवर्नमेंट बनेगी तो वो क्या करेंगे जो जो भी पेंशनधारी है उनके लिए। तो उन्होंने इसमें लिखा था कि जो भी पेंशन उठा रहे हैं, चाहे वृद्धा पेंशन उठा रहे हैं, चाहे निराश्रित महिला पेंशन उठा रहे हैं, चाहे दिव्यांग है, कुष्ठावस्था पेंशन उठा रहे हैं, या फिर वो सीनियर सिटीजन वाला पेंशन उठा रहे हैं, सबका जो अमाउंट था 500-500 रुपये, उसको सबको बढ़ा के 1500 रुपये पर मंथ किया जाएगा। दोस्तों जो भी इस पेंशन का लाभ उठा रहे होते हैं, चाहे वृद्धावस्था, चाहे निराश्रित, चाहे दिव्यांग, उसमें दोस्तों होता क्या था कि हर 3 महीने उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया जाता था, जो कि 1500 रुपये पर मंथ हुआ करता था, लेकिन अब उसी को बढ़ा के 4500 रुपये पर मंथ कर दिया गया। तो बहुत ही अच्छी अपडेट दोस्तों, बहुत ही अच्छी अपडेट है। अगर आपको इस पेंशन का लाभ उठाना है तो आपको eKYC कराना जरूरी है, मतलब आपको आपका जो आधार कार्ड है उसको वेरीफाई कराना जरूरी है। दोस्तों आधार कार्ड वेरीफाई कराने के लिए आपको CSA सेंटर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आप डायरेक्टली जो है कि अपना आधार कार्ड रजिस्टर करवा सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जो पुराने आवेदक पोर्टल पर अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करें, अगर आपके पास मोबाइल नंबर नहीं था तो अपना मोबाइल नया मोबाइल नंबर रजिस्टर कर सकते हैं और आधार को ऑनलाइन सत्यापित कर सकते हैं बिना किसी CSA सेंटर जाए हुए। दोस्तों ये मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए मैं आपको प्रूफ दिखा दे रहा हूँ। जो यूपी गवर्नमेंट जब बन रही थी, बीजेपी सरकार जब आने वाली थी, तो उसने जो मैनिफेस्टो लॉन्च किया था, उसमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है महिलाओं के लिए क्या किया गया। देखिए सशक्त नारी में जो दिखा गया है, देखिए हर विधवा व निराश्रित महिलाओं के लिए पेंशन को बढ़ाकर 1500 रुपये प्रतिमाह करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना, यहाँ पे देखिए हर विधवा व निराश्रित महिलाओं की पेंशन को बढ़ाकर 1500 रुपये प्रतिमाह करेंगे, जो कि यूपी में 500 रुपये प्रतिमाह हुआ करता था। तो दोस्तों अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाह रहे हैं, आप भी हर महीने 1500 रुपये पेंशन लेना चाह रहे हैं, तो दोस्तों अपना eKYC जल्दी से जल्दी करा लीजिए। यहाँ पे जो है कि यहाँ पे क्लिक करके आप जाके करा सकते हैं। दोस्तों अगर eKYC कैसे करना है ये आपको जानना है, या फिर मैं आप चाहते हैं कि मैं आपको eKYC करके एक वीडियो बताऊँ, तो दोस्तों ऐसे मैं आपको एक कमेंट करना होगा नीचे कमेंट बॉक्स में। अगर मुझे अच्छे से कमेंट मिलेंगे, लोगों के फीडबैक अच्छे मिलेंगे, तो ज़रूर मैं eKYC कैसे करना है ऑनलाइन घर बैठे हुए, तो मैं उसके लिए एक वीडियो बना दूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।